हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स इन हिंदी पर। दोस्तों, इंडिया और चाइना के LAC क्लैशेस को 3 साल हो गए हैं और यहां डिसएंगेजमेंट को छोड़कर बाकी सभी डेवलपमेंट हो रही हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने बताया कि इंडिया ने चाइना बॉर्डर पर 2088 किलोमीटर की रोड कंस्ट्रक्ट की है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 15,470 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान फ्रंटियर, बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पर 3,595 किलोमीटर की रोड कंस्ट्रक्ट की गई है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 20,767 करोड़ रुपए स्पेंड कर दिए हैं। अगर हम डिटेल में देखें तो पाकिस्तान बॉर्डर पर 1,336 किलोमीटर की रोड कंस्ट्रक्ट की गई है, जिसके लिए 4,242 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। वहीं म्यांमार बॉर्डर पर 151 किलोमीटर की रोड डेवलप हुई है, जिसके लिए 882 करोड़ रुपए स्पेंड कर दिए हैं। और बांग्लादेश बॉर्डर पर 19 किलोमीटर की रोड बनाई गई है, जिसके लिए 165 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। वहीं यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है LAC का, जिसके लिए एक न्यू अप्रोच की जरूरत है। हालांकि यहाँ पर ऑलरेडी काफी रोड्स कंस्ट्रक्ट की गई हैं, पर अनइवन टेरेन की वजह से ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ ही हाई एल्टीट्यूड एरियाज में रोड कंस्ट्रक्शन एक टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव और हैवी प्रोसेस है। और जब बात इंटरनेशनल बॉर्डर की होती है तो इसमें कई प्रोविजंस का भी ध्यान रखना होता है। वहीं LAC पर मेन पर्पस रोड डेवलपमेंट का शो ऑफ करना नहीं है, बल्कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि ट्रूप्स, वेपन्स, टैंक्स एक्सेट्रा जैसी चीजों को इजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। वहीं बढ़ते टेंशन के साथ ये बहुत जरूरी है कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा अपने डिफेंस वेपन्स को LAC पर डिप्लॉय कर सके, और इसके लिए गवर्नमेंट स्मूथ और स्ट्रॉन्ग रोड कंस्ट्रक्ट कर रही है। जब से पैंगोंग लेक एरिया में वायलेंट क्लैशेस हुए हैं, तब से दोनों ही देशों ने हजारों की संख्या में ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट किया है। हालांकि कई मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक्स के बाद पैंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक्स और गोरगा एरिया में डिसएंगेजमेंट हुआ है, पर फिर भी दोनों ही साइड से अभी भी 50,000 से 60,000 तक ट्रूप्स को तैनात किया गया है। लगातार मिलिट्री टॉक्स के बावजूद दोनों ही देश किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि चाइना को लगता है कि इंडिया उसके साथ किसी भी तरह की फाइट में इन्वॉल्व नहीं होगा। पर इंडिया ने चाइना को करारा जवाब देते हुए कह दिया है कि वह चाइना के साथ तब तक नॉर्मल रिलेशंस मेंटेन नहीं करेगा जब तक चाइना अपने ट्रूप्स को LAC से पीछे नहीं ले लेता। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू